what's fucked up and everything's on. Wow! Hi! Wow, wow! Beautiful house! Better than in America! Wow, wow! Yeah! Hey, hey, hey! Yeah! Hey, Sunny, go and sit there. Sunny? Yes, boss? लगता है तुम काफी थक गए हो. एक काम करो, सो जाओ तुम. प्रिया चर्चगेट में मेरी राह देख रही होगी. चीफ जस्टिस ने हम दोनों को पार्टी में इनवाइट किया है, वहाँ जाना है. मैं शाम तक आ जाऊंगा. ओके ओके. और सुनो, कहीं बाहर मत जाना. ओके ओके. तुम सो जाओ. या स्लीपिंग. ओके, सी यू. एक्सक्यूज मी, क्या सीएम के बारे में आप अपनी राय बता सकते हैं? बताने को इसमें क्या है, केंद्र सरकार देश को बेचने को तैयार है और राज्य सरकार उसकी हाँ में हाँ मिला रही है. आपकी राय? अरे का बताएं बिटिया, घर देने को कहते हैं देते नहीं, जमीन देने को बोलते हैं देते नहीं, और जब पूछते हैं तो शूट करने को बोलते हैं. सर आपका क्या विचार है? क्या बताऊं मैडम, सब तो आप जानती हैं. 100 करोड़ रुपया खर्च करके जनता के लिए डैम बना रहे हैं और पुल भी बना रहे हैं. कुछ ही दिनों में ये पुल गिर जाते हैं और डैम फट जाते हैं. जनता जनार्दन की सेवा करने के बहाने अरबों खरबों रुपये अपनी जेब में भरते हैं. इससे गरीबों को कोई लाभ नहीं होने वाला, ना होगा. आम आदमियों को इस सरकार से कोई फायदा नहीं होने वाला मैडम. अरबों खरबों कमा रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं. आपको एक बात बताऊं मैडम, इस तरह के प्रोजेक्ट के बहाने रूलिंग पार्टी के मंत्री और उनके कई एमएलए के ही गाड़ी कमाई हो रही है और उनकी वजह से हम जैसे लोग तकलीफ झेल रहे हैं. गरीबी मिटाने के बहाने सबसे पहले ये सरकार गरीबों को ही मिटा रही है मैडम. भगवान भी उन्हें रोक नहीं सकता. सच बताऊं, ये राम राज्य नहीं, रावण राज्य है, कलयुग है. ओके थैंक यू. कैमरामैन रघु के साथ मैं हूँ रेखा. ए मैडम रुक जा, तुझसे बात करनी है. क्या बात करनी है? तू अपने चाचा के साथ मिलकर हमारे सीएम साहब और उनके बेटे के बारे में अखबार में गलत गलत छापती है. टीवी रिपोर्टर है इसलिए. ए, जो जीमिया है वही करेगी क्या? हा? क्यों भरी जवानी में मरना चाहती है? शूट कर रहा है. देखो मिस्टर, तमीज से पेश आओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा. तेरी चर्बी उतारने के लिए आया है अपन. ए भाई, मैडम तो पब्लिक सेवा कर रही है, तू क्यों रोक रहा है? जान का फायदा मार. अरे चल यहां से, चल. ए तू क्या यहां क्या कर रही है? चल प्लीज मुझे चल. छोड़ो. अरे चल ना, यहां किसने धक्का कर रही है? तू क्या करेगा? क्या करूंगा, सड़क से लेकर संसद तक सीएम का बॉडीगार्ड हूं मैं. जब तक मैं उनके साथ में हूँ उन पर कोई आंच भी आने नहीं दूंगा. मार डालूंगा तुम्हारी पूरी टीम को. मुझसे मत टकराना, समझे? टकराने से क्या उखाड़ेगी? तुझे और तेरी मीडिया को यहीं पर रोंद कर रख दूंगा. देखता हूँ कौन पहचाने आता है. Hey, Kartoos, आजा, आजा, आजा. Leave her. Hey, इसे देख ले. देखिए सर, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है. मारो साले. चल, चल सीधा. But you're acting like it down now. You know you're acting like it down now.
up attacking like you're dumb now. You know you're acting like you're dumb now. I can hear the club or funk show. और डांस करने का इरादा है क्या? No, I just want to cook. No, तुम जाके सो जाओ. Okay. Hey, see, Lekha is coming here. Hi. Sorry to bother you. Oh, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मेरा है. हाँ, जहाँ पे फाइट हुई थी वहाँ पे आपने छोड़ दिया था. Thank you. Still dancing? Yeah. Okay. अरे नहीं बैठने के लिए नहीं कहोगे? Oh, please. Thank you. अच्छा रेखा, हाँ। क्या उस हादसे के बारे में डिटेल से बता सकती है मुझे? कौन था वो? वो यू वांट कोक? अरे गेस्ट को ऑफर करो ना. ओह सॉरी, टेक इट, आई विल गेट अनदर वन. बुरा मत मानिए, वो दरअसल मेरा दोस्त है और अकल से पैदल है. अच्छा रेखा जी, आप बताइए क्या हुआ था? सीएम का लड़का नरेंद्र ठाकुर जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सर. उनका कहना है कि मैं अपने अंकल के साथ मिलकर उनके घोटालों को मीडिया के जरिए पर्दाफाश कर रहे हैं, इसीलिए गुंडों को बेचकर हम पर अटैक करवाया. ओह, आई सी. देर हो रही है? नो, नॉट एट ऑल. अच्छा सनी, या तुम अंदर जाओगे? ओके. कमरे से बाहर मत निकलना. Right. Don't worry, Rekha. He's my best friend. He won't harm you. उस पर तुम विश्वास कर सकती हो. वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा. या अच्छा. एक फोन कॉल आ रहा है. Let me attend the call. Okay. Hello. मैं प्रिया बोल रही हूँ. Okay. Hi, Priya. कितनी देर से वेट कर रही हूँ? जल्दी आओ ना. Okay, Priya. मैं अभी आता हूँ. जल्दी आओ. Okay, bye. सुनो, मैं कल तुमसे मिलूंगा. Okay? एक और बात रेखा, कल हम लोग ताज के पास मिलेंगे. Okay. कितने बजे आओगी ये बता देना. Sure. Hey जगन, what happened? फिर से आ गए तुम? भूल गए हाथ मिलाना मुझसे? Okay dear. That's like a good boy. Wow. See you tomorrow. Okay. Oh
हेलो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर शी इज माय नीस रेखा आई सी दरअसल हम हमारे चैनल के जरिए सच्चे को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं 10 साल की उम्र में ही साइकिल से जाकर घर घर पेपर बेचा करता था और जब मैं बड़ा हुआ तो थोड़ी रकम जमा करके मैंने एक प्रेस खोल दिया और उसके बाद एक टीवी चैनल भी खोला ताकि मैं जनता की आवाज को संसद तक पहुंचा सकूं वो मारना मुझे चाहते थे लेकिन ये उनके हाथों फंस गई मैंने खून पसीने की कमाई से जो भी जायदाद मैंने खरीदी है उसे भी सीएम के लोगों ने हड़प लिया हमारी इमारतों को तोड़ दी गई क्योंकि हमने उनकी बातों को जो अनसुनी कर दी काफी मशक्कत करने के बाद जो नाम मैंने कमाया है वो उसे मिट्टी में मिलाना चाहता था उसकी ख्वाहिश है कि एक कठपुतली बनकर मैं उसके हाथों में रहूं और जानते हैं उसने मेरी जमीन को गरीबों को देने का वादा करके अपने रिश्तेदारों को और उसके मंत्रियों को मेरी जमीन बांट दिया है ये अन्याय है बड़ा अन्याय है सर मेरे दिल को ठेस पहुंचे है सर हो सकता है मुझसे गलती हुई हो लेकिन गलती को सुधारने का मौका देना चाहिए ना सर ऐसा कुछ नहीं किया क्यों जानते हैं क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने जो भी घोटाला किया है उसे मैंने जनता के सामने जो लाया है मेरा प्रेस और मेरा चैनल कभी अन्याय के साथ नहीं देगा सर दरअसल ये चैनल तो समाज का आईना है सर इसीलिए आप जैसे समाज सेवक हमारे साथ रहेंगे तो हम लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा सर ये मेरा दावा है सारी जनता आपके पीछे आएंगे मेरे पास जितनी भी रकम है आपको दे दूंगा हमें एक अच्छा नेता चाहिए सर और वो आप ही हैं आपसे मेरी एक और गुजारिश है सर अगर आप हमारे कहे मुताबिक अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो एक ही दिन में यहाँ की सरकार पलट जाएगी सर फिर हम एक नई सरकार बनाएंगे सर गरीबों को मुफ्त में आवास देंगे और सारे कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कर देंगे लोगों को सारी सुविधाएं हम प्रदान करेंगे और आप जैसे नए इंसान इस राज्य का सीएम बनेंगे तो कोई भी मंत्री एमएलए या फिर सरकारी ऑफिसर घूस लेने से कतराएंगे सर हाँ सर Hey boss, today you have forgotten me. Yeah. Hey Lekha, what's up? Who is this guy? Why he is sitting here? He's my uncle. Wow, nice meeting you. Yeah. Hey, Sunny. Yeah? तुम देख रहे हो ना हम यहाँ seriously बात कर रहे हैं? ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या बात है? मुझे बताओ. Yeah? तो पेश क्यों आ रहे हो हैं? I'm sorry, I'll go there. सर इसकी बात का बुरा मत मानिए इट्स ऑल राइट सर हेलो प्रिया व्हाट इज दिस जगन 9 बजे आने के लिए कहा था और अब 11 बज गए हैं और तुमने एक फोन तक नहीं किया और कितनी देर तक इंतजार करूं जल्दी से मंदिर में आओ बस आ ही रहा हूँ यू डोंट वरी डियर सुनो कोई काम है तो बाद में देख लेना अभी तुम जल्दी आ जाओ प्लीज कम सून मैं आ रहा हूँ ओके बाय एक्सक्यूज मी इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे सॉरी डोंट मिस्टेक मी माय फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी आई हैव टू गो ओके सर फिर मिलते हैं ओके बाय I'm sorry, Priya. It's okay. काफी देर इंतजार करवाए ना ये कोई नई बात नहीं है हर बार तुम्हारे लिए इंतजार करते रहे चलो प्रिया तुम शादी के लिए तैयार हो ना मैं तो रेडी हूँ देवी तुम्हारी तरफ से है तो फिर चलो वो कौन है ये कहीं बॉडीगार्ड्स नहीं नहीं बॉडीगार्ड्स नहीं मेरी फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स शक्ल सिर्फ से गुंडे लग रही है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं सचमुच मेरी दोस्त हैं इट्स ओके प्रिया बेफिक्र होके जाओ ओके बाय बाय फोन करना मत बोलना पहुंचते ही करूंगी Thank you.
कैसे मैनेज करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिया कहाँ हो? हाय जगन, मैं घर पर हूँ, अभी पहुँच रही हूँ। मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ओके हाँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी, गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय। हेलो सर, सीएम की बेटी प्रिया किसी के साथ फोन पे बात कर रही है, वो तुरंत उसे मिलने के लिए कार से जाने वाली है, क्या करूँ बताइए। ऐसी बात है, उसका पीछा करो तुम लोग, मैं भी आ रहा हूँ। मेरी कार को डैमेज क्यों कर रहे हैं? कार कोई नहीं, तुझे भी डैमेज कर दूंगा। अच्छा थी उस दिन तुमने जिनको देखा वो मेरे दोस्त नहीं है, बल्कि डैडी द्वारा अपॉइंट किए गए बॉडीगार्ड्स हैं। जगन, मेरी डैडी स्टेट की सीएम है,
और सब लोग उनसे बहुत डरते हैं, इसलिए मैंने डैडी के बारे में कुछ नहीं बताया। अपने प्यार के खातिर मैंने तुमसे झूठ बोला। उसी दिन मुझे पता चल गया कि वो तुम्हारे डैडी के भेजे हुए गुंडे हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं। एक बात कहूं प्रिया, हम दोनों के बीच कभी कोई राज नहीं होना चाहिए। इट्स अ प्रॉमिस जगन। सो तो ठीक है, लेकिन ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई तुमने? अगर मैं बता देती तो हमारे बीच दूरियां और बढ़ जाती। दूरियां क्यों बढ़ेगी? तुम्हारे पिता सीएम है, इस डर से मैं तुम्हें छोड़ूंगा क्या? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? या फिर जगन, तुम मुझे डरपोक समझ रही हो? काट दूंगा, टुकड़े कर दूंगा तेरे, मेरे बच्चों के या लैंड के बारे में या इंडस्ट्रीज के बारे में अगर कुछ भी कहा तो काट के रख दूंगा। तेरे बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैंने अगर बोल दिया तो तेरी नींद उड़ जाएगी। तूने जो कहा वो सच नहीं है, काट डालूंगा। चंद्रशेखर, क्या कहा, मुझे काट डालोगे? हाँ बे, बीच में आया तो तुझे तो क्या, तेरे बाप को भी काटूंगा। मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं राजगढ़ सीमा का ठाकुर हूँ, तलवारों से खेलना हमारा पेशा है। फोन रख। सरकार, मैंने उनसे बात कर ली है, आप टेंशन मत लीजिए। वो भला क्या करेगा, हमसे भिड़ने की हिम्मत उसमें भला कहाँ है? गुंडागर्दी नहीं कर सकता, उसे तो मंत्री या चीफ मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए, उसकी औकात क्या है? जीरो है। अजी कुछ नहीं करेगा वो। हम क्या करेंगे, वो क्या करेगा, ये हम जानते हैं, मगर वो नहीं जानता। क्यों चौधरी जी? सर, उसने अपने आदमियों के लिए क्या किया है? ना कभी किसी को साथ में मिलाया और ना ही किसी को कोई सीट दी। हाँ, अगर सीट दी भी तो उसे ऊपर उठने का मौका नहीं दिया। आज तक कौन ऊपर उठा है? राजनीति में पैठ बनाने के लिए क्या जरूरी है? हमारे पास जो है एमएलए, एमपी और मंत्री लोग, और इन सब की बात प्रजा, और इनको क्या चाहिए? हम जो कहते हैं करते हैं, पैसा देंगे तो वो हमें जिता देंगे। हाँ। अच्छा चौधरी जी, आप ही बताइए, आज हमारे मंत्रिमंडल में कितने कैबिनेट मंत्री हैं? ऑलमोस्ट 40। ऑलमोस्ट क्या कह रहे हो, सबको मंत्री की पदवी दी है, हर तरह की छूट देकर उन्हें कमाने का मौका दिया, आज हर एक की जेब में करोड़ों रुपए हैं। सही कहा सीएम साहब, बुरा मत मानिए, आपने अपनी जात वालों को ही मौका दिया है। ये क्या बोल रहे हैं आप, इन्होंने सबको दिया है, तुम्हें भी दिया था, ये तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया। सब लोग कमा चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपने ही कमाया। चौधरी जी, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। ये बताइए, हम में से किसने नहीं कमाया है? चौधरी साहब, आपको ये पता है, जब विपक्ष की सरकार थी तो सारे एमएलए यहां से वहां तक कमाने के लिए घूम रहे थे, हमारी सरकार में एक एक एमएलए ने 100-100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। अरे उसे तो छोड़िए, छोटे मोटे पंचायत के प्रेसिडेंट ने भी 10-10 करोड़ कमा लिए, ये मत भूलिए। कितने लोग करोड़पति बने हैं, हैं? एकदम सही। हाँ, करोड़पति बन गए हैं। मैंने हर एक जाति वाले को मौका दिया है। क्यों तुम्हारी जात वाले को नहीं दिया गया? उसने नहीं कमाया क्या? हाईटेक करप्शन नहीं किया क्या? बिल्कुल सही। वो मेरे बेटे के बारे में क्यों बोल रहे हैं, जब मैंने सबको कमाने का मौका दिया? उन्हें कमाने से मैंने कभी रोका है क्या, जो आज मेरे बेटे पर उंगली उठा रहे हैं? इस तरह टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं तो सच्चाई कह रहा था सर। अगर तुम उस पार्टी में होते तो तुम्हें पता होता, तुम्हारा अपना भी जो है वो भी चला जाता। मुझ पे भरोसा रखने वाले को मैंने करोड़पति बनाया है और बनाऊंगा। ये तो सच है साहब। किसी ने टांग अड़ाई तो उसे काट के रख दूंगा। पिताजी, क्या हुआ बेटे? आजा 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 आजा। नमस्ते 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 बेटा। पिताजी, आपसे पर्सनली बात करनी है, आपसे बाद में बात करूंगा, अभी आप जाइए। नमस्ते जी। नमस्ते। चौधरी जी, आप भी जाइए। अब आ गया दीजिए। नमस्ते। ये बताओ नरेंद्र, टेंशन क्यों ले रहे हो? हैं, टेंशन नहीं, कमा चुके हो, दिन रात और कमाओ। अरे फैक्ट्री खोलो, सीमेंट फैक्ट्री खोलो, जिंक फैक्ट्री, वो भी नहीं तो स्टील फैक्ट्री खोलो। अरे बेटा, तुम्हें जितनी जमीन चाहिए मुझसे बोलो, मैं दे दूंगा। अरे तुम तो आने वाले कल के चीफ मिनिस्टर हो बेटा, सरकार अब आप ही इन्हें समझाइए। प्रॉब्लम वो नहीं है अंकल, दरअसल बात यह है कि। अरे क्या हुआ नरेंद्र, प्रिया किसी से प्यार करती है? उसकी जात क्या है, वो है कौन, क्या करता है, उसका स्टेटस क्या है और वो कहाँ रहता है, उसकी ये जानकारी ली है क्या, वो हमारे लायक है या नहीं? बेड़ा गर्क हो जाए, समझाने पर भी समझते नहीं है, घर वाले को लूटते हैं, बाहर वालों को मारते हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूं, मेरे पास रखने के लिए कुछ दिया, इसने मुझे क्या होम मिनिस्टर का पोस्ट दिया, पूछते ही लड़की को सब कुछ दे दिया, उसको पूरा बिगाड़ दिया, और उसका नतीजा ये हुआ वो किसी अनजान लड़के के साथ भाग गई। अब किस किस को काटने के लिए बोलेगा ये? ये तो क्या बोल रहा है, क्या समझ के बोल रहा है, काट डालूंगा, जा
यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलिए ना बाबूजी। छोड़ दो भाई, आओ यहाँ से। चुप रहिए, चलिए ना। इस बुढ़ऊ से तो तंग आ गया हूँ। उसने इससे पहले भी हमारे निजी मामले में बहुत दखलअंदाजी की है। वो सूर्यकांत है ना, हमारे ऑपोजिशन का लीडर, उसकी बेटी के साथ मिलकर वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। उसका स्टेटस क्या है, कास्ट क्या है? उसका नाम तो जगन है मगर उसकी कास्ट मैं नहीं जानता। हमारी जात का नहीं है। नेक्स्ट, कहाँ तक पढ़ा है, जायदाद कितनी है? हा? वो अमेरिका से पढ़कर आया है। सर नरेंद्र, मुझे एक घंटे के अंदर उसकी कास्ट, पूरा नाम, उसका एड्रेस, उसकी जायदाद, ये सारी जानकारी चाहिए। ओके, मैं देख लूंगा पिताजी। ये तो क्या बोल रहा है, देखने की बात नहीं, उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है, ठीक है पिताजी। ए जगन्नाथ सरकार, बोलिए ना। इस विषय की जानकारी मुझे एक घंटे के अंदर चाहिए। और एक बात, किसी और को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए, बहुत होशियारी से करना। हमारे मंत्रियों को भी इस बात का पता ना चले। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा, चलता हूँ। ठीक है जा। हाँ। किसी का भरोसा मत करना, किसी का भी नहीं। अरे बाप रे बाप, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बहरा हूँ क्या? ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला क्यों रहा है वो? अगर ऐसे ही बेटी पर चिल्लाते तो भाग कर गई नहीं होती। ससुर का नाती बेटी को छोड़ दिया और मेरा दिल तोड़ दिया। आपके दामाद काटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? जब से बेटी भागी है वो परेशान से रहते हैं। सबके सामने तुम उनका अपमान करोगे तो क्या फिर उन्हें बुरा नहीं लगेगा? वो इस प्रांत का सीएम है, कोई मामूली आदमी नहीं, इस बात को मत भूलना। आपको समझाना नहीं? अबे पैदासी बहरे, इस तरह सुनने का नाटक क्यों कर रहे हो? ऐसे खुसुर फुसुर क्यों कर रहे हो? ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते? अगर ऊंची आवाज में बोलूंगा तो सीएम मुझे काट के रख देगा। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, धीरे से बोल सकते हो ना उल्लू की तुम? हे भगवान, इस बहरे से तू ही मुझे बचा। जवानी दो दिन की जिंदगानी, मस्ती में डूब जाओ, ले लो मजा right now, झूमो मस्ती में right now, आजा बाहों में right now, मेरी जुल्फों की खटाओं में पाएगा जेना। Girl, I wanna rock you, baby. Come on, girl, let me rock the Mujhko world. Mujhko kar de mastana, sancha mera diwana, kuniyon ko dale dana, naamon se mujhko paana, mera dil masti mein jume, mera dil masti mein, mera dil masti mein jume, mera dil masti mein jume. Main hoon gudiya japani, tu sajna hindustani, khoja meri saanson mein. Yeah, yeah.
हिंदुस्तानी खोजा मेरी सांसों में कर दे मुझको दीवानी अमेरिका के ओबामा या अफगानी ओसामा सब है दीवाने मेरे कर दे दिल में हंगामा झूमो मस्ती में आजा बाहों में मेरी जुल्फों की घटाओं में पड़ेगा चेहरा ये मेरी चढ़ती जवानी की जिंदगानी मस्ती में डूब जाओ ले लो मजा right now झूमो मस्ती में right now आजा बाहों में right now मेरी जुल्फों की घटाओं में पाएगा चैना ओ ओ ओ ओ ओ ओ ए ए ए ए ए ए ए ए ए Hey boss, who is she? You don't know? Huh? Arey, I didn't understand. What's she doing here? Who is she? Priya, here's my dearest friend Sunny. Hi. Hi. सनी तुम मत जाओ तुम जैसे सोचो यहाँ से कुछ नहीं हो रहा हेलो Don't worry, Priya, सब मैं देख लूंगा ओके बाय 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 सनी बाय बाय ओके टेक केयर प्रिया बाय प्रिया रुको तुम उससे प्यार करती हो यस डैडी आई एम इन लव विद हिम सोच समझ के बोल रही हो बताओ सच में तुम उससे प्यार करती हो यस डैडी मैं सच बोल रही हूँ मैं उससे प्यार करती हूँ अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करने का मेरा फैसला है डैडी सारे फैसले तुम ही लोगी क्या उसकी कास्ट क्या है कास्ट वास्ट मैं कुछ नहीं जानती लेकिन तहे दिल से उसे प्यार किया है आप खुद लोगों को बताते रहते हैं कि जात पात में कोई भेदभाव नहीं है हर रोज यही भाषण तो आप देते रहते हैं टीवी पर मैं भी वही कर रही हूँ मैं आपके लक्ष्य कदम पर चल रही हूँ डैडी क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ अगर मैं ये तुम्हारा फैसला ना मानूं तो तुम क्या करोगी डैडी अगर मेरी शादी होगी तो उसी से होगी वरना मैं सारी जिंदगी साध्वी बनकर रहूंगी आगे आपकी मर्जी डैडी ओके ए, तुम क्या पागल हो गई हो तुम जानती हो तुम कौन हो तुम सीएम की बेटी हो मेरी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो बैठो बैठो सिट डाउन हाँ बताओ उसका नाम क्या है और वो करता क्या है उनका नाम जगन है उसका फोन नंबर 9841295575 जल्दी से उसको फोन लगाओ डैडी वो बहुत अच्छे हैं हेलो दो मिनट प्लीज सीएम आपसे बात करना चाहते हैं लाइन पे हैं मैं यहां का सीएम चंद्रशेखर ठाकुर बोल रहा हूं
कल सुबह ठीक 9 बजे हम दोनों की मुलाकात होगी। जरूर, लेकिन कहाँ पर सर? तुम्हें यहाँ मेरे घर पर ही आना होगा। तुमसे कुछ जरूरी बात करने के बाद सगाई की तारीख तय करेंगे, फिर अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। ओके ओके, जरूर मैं आ जाऊंगा सर। ओके, कल सुबह ठीक 9 बजे मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। मैंने ये जो भी कमाया है सब किसके लिए है? मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। कल सुबह 9 बजे तुम्हारी सगाई की तारीख तय होने वाली है। मुझे आप पर फक्र है दादी, मुझे विश्वास है कि आपको वो जरूर पसंद आएगा। इट्स ओके प्रिया, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। थैंक यू दादी। ओके, अब जाओ आराम करो। ए, तुम अपना काम करो। जी। क्यों रे नरेंद्र, ये लगता है दिमाग से पैदल है। वो ना हमारी जात का है ना हमारे स्टेटस का है, ये सब जाने बिना हमारी प्रिया बेचारी उसके प्यार में फंस गई। प्यार है या ढोंग है? वो साला दौलत के चक्कर में इससे प्यार करता है। अब तो क्या करेगा क्या नहीं मैं नहीं जानता, कल सुबह उसके आते ही काम तमाम हो जाना चाहिए। रमेश गौड़ को फोन लगाओ, जल्दी लगाओ। हेलो, बोलिए। मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ, पिताजी से बात करो। हे रमेश गौड़, ये तो भूल से मेरी बेटी एक भैरोपिय से प्यार कर बैठी। तुझे जो भी चाहिए ले लेना, कल सुबह 9 बजे से पहले ये मैटर सेटल हो जाना चाहिए। अगर ये काम नहीं हुआ तो समझ ले मैं क्या। समझ गया ना? आप उन समझ गया सीएम साहब, आप बेफिक्र रहिए, कल 9 बजने से पहले मैटर सेटल हो जाएगा। सुनो, सीएम की बेटी को कोई लौंडा लाइन मार रहा है, कल 9 बजने से पहले उसके टुकड़े टुकड़े करके वर्ली के गटर में फेंक देना। शर्मा जाएगा। हद करते हैं। हाँ, ये क्या? सुधरोगे नहीं। तुम ही लो वापस। देखो प्रिया, वो तुमसे प्यार करता है सिर्फ पैसों के लिए। दरअसल उसके रेखा नाम की एक लड़की से नाजायज संबंध है, और वो दोनों मिलके यहाँ की प्रजा को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरी जायदाद के लिए और राजनीति पदवी के लिए तुमसे प्यार करने का ड्रामा प्ले कर रहा है प्रिया। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो ऐसे नहीं है दादी, वो बहुत अच्छे इंसान है। एक IPS गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, तुझे बचपन से जानता हूँ, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात मान ले, उसे भूल जा। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो उसने उस रेखा के बारे में तुम्हें क्यों नहीं बताया? अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो लोगों को पिताजी के खिलाफ क्यों भड़का रहा है? वो विपक्षियों को साथ में मिला के हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। देखो प्रिया, तुम बड़ी हो गई, समझदार हो, उसके बारे में इतना सब जानने के बाद भी अगर तुम उसी से शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसके पति का किसी से नाजायज संबंध हो। अगर तुम्हें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो मुझे भी ऑब्जेक्शन नहीं। बचपन से आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की है, लेकिन इस ख्वाहिश के लिए कम से कम मेरी बात मान लो, ये तुम्हारी जिंदगी है। चक्रवर्ती जी, इसे जरा वो डिटेल्स दिखाना। सॉरी दादी, आई हैव डिसाइडेड, मैं सिर्फ जगन से ही शादी करूंगी। ये क्या बेटी, ये कैसी जिद पकड़ी है? इस फाइल पर सिर्फ एक बार नजर तो डालो, उसके बाद फैसला लेना प्लीज। आप जितने भी सबूत पेश करें कोई फायदा नहीं है दादी, आई हैव डिसाइडेड टू मैरी। Yeah, you.
Jassy, let's see my dance. Yeah. You. Yeah, you like my dance? See once more, like this. कौन है वो? हमारी तरफ इशारे करके बंदरों की तरह नाच रहा है. You. पता नहीं यार, ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? Just see my pose. You. क्या कर रहा है वो? लगता है कुछ कहने की कोशिश कर रहा है. Yeah. कहीं पागल तो नहीं? Just see from your eyes. Look at me. You. इशारे कर रहा है. अपने दिल में मुझे बसा लो. तेरी तरफ इशारा कर रहा है. Come. देखना. आंखों से इशारा कर रहा है. I'm calling you. समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है? कमीना कहीं का. इसे तो जूते से मारना चाहिए. इसे तो सबक सिखाना चाहिए. इसकी कंप्लेन हमें पुलिस में करनी होगी. चलो चलते हैं यहाँ. हे नरेंद्र, कल सुबह 9 बजे मैटर सेटल हो जाना चाहिए. रमेश गौर को बोल दिया है, उससे बात करके मैटर कहाँ तक पहुँचा जान लो. प्रिया की बात किसी को पता तो नहीं चली? ना ही साहेब. और पता चलनी भी नहीं चाहिए. ठीक है साहेब. कमिश्नर को फोन करो. हाँ बोलिए. मेरे केस का क्या हुआ? हेलो कमिश्नर साहब, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ. नमस्ते साहब, बोलिए. मेरे पिताजी आपसे कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं. एक मिनट. लीजिए साहेब. हेलो. नमस्ते साहब. हाँ नमस्ते. बहुत जरूरी बात है. किसी बहरूपिये ने मेरी बेटी को प्यार के जाल में फांस लिया है. इतना ही नहीं, हमारी राजनीति में भी टांग फंसा रहा है वो. मेरे पास उसकी पूरी जन्म कुंडली है. जानता हूँ. उसका नाम जगन है. अमेरिका में रहकर काफी साल पड़ा है. ट्रेन्ड इन स्पेशल फोर्स. अमेरिका में कुछ सालों के लिए गवर्नमेंट में सर्विस भी की है. रेखा नाम की युवती के साथ मिलकर समाज की सेवा कर रहा है. आपकी सरकार की मदद भी कर सकता है. He is the right person for your young daughter. Okay. Sir. मैं बाद में बात करता हूँ. Okay, sir. नरेंद्र, ये कमिश्नर काम नहीं करेगा. रमेश गौड़ को फोन लगाओ. हेलो रमेश गौड़, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ. बोलेगा. वो मामूली आदमी नहीं है. तुम क्या करोगे पता नहीं. कल सुबह तक वो शहर में नहीं दिखना चाहिए. उसे पैसों की लालच दो, चाहे कितना भी खर्च हो जाए, सुबह तक काम हो जाना चाहिए. ओके. नरेंद्र साहब घबरू नक्का, ये केस अपन देख लेगा. पैसों से बात नहीं बनी तो अपन उसे टपका देगा. बाकी के काम आप देख लेना. ओके. हम देख लेंगे, सरकार हमारी है. क्यों रे, डीएम साहब के खिलाफ अखबार में लिखेगी? इस भीड़ को फोन करना. शराब ला, चलो पियो. पीले. हेलो, कौन है आप? दादा. रमेश गौड़ बोल रहा हूँ. तुम्हारी माशुका रेखा यहाँ है. तुझे अपन 1 घंटे का टाइम देता है. अगर तू उससे पहले यहाँ नहीं आया तो मैं उसका रेप कर डालूंगा. आई बात समझ में? अरे बताओ ना. रमेश गौड़, तू उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता. मैं भी आ रहा हूँ. आने दे. एक 9 बजने से पहले तू आ गया.
क्या बात, तो वाकई मर्द निकला। अपुन के बारे में जानकर तू आज अपुन से मिलने के लिए यहाँ आ गया ना, मान गया जगन। सीएम से तेरी क्या दुश्मनी है? 5 करोड़ देता हूँ, ग्रेट डील, उसे लेके जाओ, वापस अमेरिका चले जाओ, एंजॉय द लाइफ। तेरी ये माशूका काफी सेक्सी है, इसे दे दे, अपुन रख लेगा। तुझे 5 करोड़ चाहिए या इसकी मौत? तुझे मान गया तो इस लौंडियों को ढूंढते हुए आप उनके अड्डे तक जो आया, तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। अरे तू तो कमाल का आदमी है। अरे भेड़ो, बोल, डील या नो डील? डील या नो डील? नो डील। अरे तुझसे कैसे डील? ओए उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तुझ जैसे गुंडों से नो डील, कोऑपरेट करने वालों से ही डील, आई बात? I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's on to me and I walk alone. बाबा जी, अरे चिल्ला क्यों रहे हो? वो आ गए, आज इस घर में किसी की पुंगी बजने वाली है। चुप कर, फालतू में चिल्ला रहा है। पिताजी, वो आ गया है। बाप रे, क्लोज अप में आ रहे हैं इसके। ए, तुम सब बाहर जाओ। ओके सर। तुम्हारा नाम क्या है? जगन साहू। और कास्ट क्या है? बताना जरूरी है। तुम्हारी कास्ट का पता नहीं, कहां रहते हो पता नहीं, इसके बावजूद मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं, क्योंकि प्रिया मेरी जान है। मैंने इसीलिए उसकी बात मानकर तुमसे बात करने के लिए तुम्हें यहां पर बुलाया है। मगर ये रेखा कौन है, उसके बारे में प्रिया को बताया? तुम्हारा उससे संबंध क्या है? कम ऑन स्पीक अप, तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है? शी इज जस्ट माय फ्रेंड। शी इज नॉट योर फ्रेंड, शी इज योर लवर, योर डियरेस्ट। प्रिया, अभी भी तुम इससे शादी करना चाहती हो? हाँ, जबकि इसका किसी और के साथ भी संबंध है। हमारे पास इसके जीते जागते सबूत हैं, फिर भी तुम इससे शादी करना चाहती हो तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जगन, तुमने रेखा के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं थी इसलिए। If she's just your friend, why couldn't you tell me? Don't you trust me? ये मेरी जिंदगी है, मेरा पति किसी और लड़की के साथ रिश्ता रखे ये मुझे मंजूर नहीं। She's just my friend, that's all. Maybe. लेकिन सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं प्रिया, he's a number one criminal. एम के असली से तुम वाकिफ नहीं हो। तेरी ये मजाल, तुझे मेरी बेटी प्यार करती इसलिए चुपू वरना काट डालता। Get out from here. आज से तुम मेरी बेटी को भूल जा, दफाओ यहाँ से वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके यही दफना दूंगा। मैं यहाँ का सीएम हूँ प्रिया। रेखा इज जस्ट माई फ्रेंड, इफ आई सी यू नेक्स्ट टाइम हियर आई विल किल यू। बेटी तुम चिंता मत करो, तो अभी तक जिंदा है सिर्फ मेरी बेटी की खातिर। चल निकल यहाँ से, तुम अंदर जाओ बेटी। प्रिया,
चुप हो जा। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? उसके बारे में सोच के रो रही हो क्या प्रिया? तुम भी, तुम्हारे डैडी कौन है? सीएम है। जगन साहू से भी अच्छा लड़का ढूंढ के निकालेंगे वो। उसके बारे में सोच सोच के रो रही है, पागल हो गई है क्या? मत रो प्रिया बेटी, मत रो। चल अंदर चल, चल। नरेंद्र जी, पिताजी, इधर आ। वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, होम मिनिस्टर से बोलकर। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। जानती हूँ तुम प्रिया के बारे में सोच रहे हो। डोंट वरी। मैं प्रिया के बारे में नहीं सोच रहा हूँ रेखा, वो सीएम को कुर्सी से किस तरह हटाऊं यही सोच रहा था मैं। मेरे अंकल तुम्हारे अपॉइंटमेंट के लिए वीआईपीस के साथ वेट कर रहे हैं और पूरा मीडिया हमारा सपोर्ट कर रहा है। जगन, हम सबका टारगेट सीएम है। जिस पब्लिक ने उसे वोट देकर कुर्सी पर बिठाया है उसी पब्लिक के भरोसे को वो धोखा दे रहा है प्रिया। इस फाइल को संभाल कर। ओके अंकल। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नो फॉर्मेलिटीज, प्लीज बैठ जाइए। नमस्ते। हाउ आर यू सर? फाइन। अंकल आप इन सब के बारे में जगन को बताइए। ठीक है बेटी, ये पांचों व्यक्ति काफी मशक्कत करके ऊपर आए हैं। ये हमारे साथ मिलकर समाज सेवा करना चाहते हैं। ये हैं राठौर जी। नमस्ते सर। नमस्कार राठौर जी। मुझसे जो भी मदद चाहिए आप बेझिझक होके पूछिए। थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। नंबर वन बिजनेसमैन, रियल एस्टेट का काम करते हैं, एनआरआई पार्टी साहब इन्हीं से डीलिंग करते हैं। ये है उत्तम चंद और ये है इनकी पत्नी। नमस्ते। ये बहुत ही नेक इंसान है, 8 बार MP इलेक्शन लड़कर जीत चुके हैं। वो है राज गौड़। नमस्ते सर। समाज सेवक है, आज इनकी वजह से हमारे राज्य के कई गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कठिन परिश्रम करके ऊपर आए हैं। समाज में इनकी एक जगह है, ये अपनी सारी जायदाद खुशी खुशी जनता के भलाई के लिए देना चाहते हैं। और ये है रावत जी, बड़ा बिजनेसमैन है और ये भी अपनी सारी जमा पूंजी देश के गरीब जनता की भलाई के लिए लगाना चाहते हैं। और वो है उमाशंकर, बहुत ही अच्छे इंसान है, 4 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जनता की भलाई के लिए बहुत कुछ किए हैं। इनके अधीन 20 MLA हैं और सब इनकी तरह नेक हैं। मेरे ख्याल से ना इन्होंने किसी का दिल तोड़ा है और न ही किसी का बुरा किया है। और वो है राजीव जी, रियल एस्टेट बिजनेसमैन, गरीब लोग इन्हें मसीहा मानते हैं। आजकल जमीन की कीमत आसमान को छू रही है फिर भी ये गरीब जनता के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए में फ्लैट्स दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए बैंक लोन का भी प्रबंध करते हैं। और ये है डॉक्टर जॉन, कार्डियोलॉजिस्ट, अमेरिका में पढ़ाई किए हैं, इनका पूरा परिवार अमेरिका में है। सिर्फ यही नहीं, इस शहर में इनके कई बड़े बड़े अस्पताल हैं, इन्होंने कई गरीब लोगों की जानें बचाई हैं, ये उनके लिए देवता समान है। इनके अस्पताल में गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, फीस भरने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा डॉक्टर जॉन ने अनाउंस भी किया है। सर गवर्नर के बंगले से फोन आया है, 5 बजे से पहले वहाँ पहुँचना होगा हमें। एक मिनट प्लीज। रेखा, इनके साथ सावधानी से पेश आना। ओके। आई वुड लाइक टू सी द इंपोर्टेंट फाइल, प्लीज गिव टू मी। ओके। ये लीजिए। और सुनिए डॉक्टर जॉन साहब, मैंने सुना है कि शहर में तकरीबन आपके 10 अस्पताल हैं, उसे आप गरीब जनता के नाम करेंगे। जरूर कर दूंगा सर। ओह आई एम सॉरी, आपके बाल बच्चे तो होंगे। हैं सर। तो 5 अस्पताल गरीबों के नाम कर दीजिए। वैसे ही कर दूंगा सर, जो भी करूंगा सोच समझ कर ही करूंगा, लेकिन इस सरकार के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। रेखा इस फाइल को रख लेना। आप जाइए, देर हो जाएगी। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। सर की इच्छा सर। हां सुनो, सबको खाना खिला के भेजना। ओके ओके सर। बात वो नहीं इंदिरा बेटी, दामाद जी समाज सेवा करते रहेंगे तो हम फुटपाथ पे आ जाएंगे, दौलत हमारे साथ रहेगी तो जनता भी साथ होगी। अगर वो मिट्टी में हाथ रखेगा तो पल भर में वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। अरे बाप, ये 100% सच है। आओ आओ नरेंद्र। हाँ बोलिए। आओ देखो बेटे, मैं जहाँ जमीन लूंगा वहाँ तुम फैक्ट्री बनाओगे। हाँ। देखो बेटे, मैं जो भी करूंगा
तुम्हारी भलाई के लिए मैं करूंगा। इस नाना के होते हुए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो बेटे, हमारे पास अरबों की दौलत है। हा? ये क्या कह रहे हैं? तुम सीएम बनोगे तो मुझे होम मिनिस्टर बनाओ। इस सीएम ने क्या किया? देखो बेटे, अखबार वालों को और मीडिया वालों को काट दूंगा क्यों कहते हैं? वही तो, मेरा चैनल और तुम्हारा प्रेस, और हम जिंदगी मजे से जिएंगे। हम वीवीआईपी होंगे, इसीलिए मैं तुम्हें सीएम बनाना चाहता हूँ। ओके नाना जी, इस पीए को मेरे हवाले कर दो। हाँ से समझ लीजिए, ये आपका पीए। अरे धन्यवाद जी। ये क्या पिताजी, जब से तुम आए हो कुछ ना कुछ कहते रहते हो। देखो वो नाराज होकर चला गया। बैरे तू मामूली आदमी नहीं है, दोनों पैर कब्र में लटका के बैठा है, फिर भी तू होम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है। तेरी तो तेरे कान में ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कि तू उसी से मर जाएगा। कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो ऐसा ख्वाब देख रहा कि तुम होम मिनिस्टर बन चुके हो। हैं आवाज है कि सीएम साहब आ रहे हैं। चलो आजी साहब, सीएम ने घोटाला करके जो भी दौलत कमाई है उसकी फाइल है ये। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ये गोपनीय फाइल आपके हवाले कर रहा हूँ। केयरफुली हैंडल करना इसे। जगन साहू जी, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा, लेकिन इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। इस केस को सीबीआई के हवाले कर दूंगा, उनसे टक्कर लेना हम पुलिस वालों के बस में नहीं है। फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा, वो इस्तीफा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर वो चुनाव हार गए फिर देखिए मैं खुद ही नॉन अवेलेबल वारंट लेकर उन्हें अरेस्ट कर लूंगा। अच्छी बात है सर, कल 10 बजे हम लोग कमिश्नर ऑफिस में मिलेंगे। नमस्ते। थैंक यू सर। आइए 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 आइए, अंदर आइए, अंदर आइए आइए। नमस्ते। नमस्कार साहब। नमस्कार। ये हैं शर्मा जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपका नाम सुनकर आपके पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। ये हैं बैकवर्ड क्लास के सेक्रेटरी। नमस्कार। ये भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हैं अहमदनगर के चौधरी साहब, इनके पास तकरीबन 15 MLA हैं। और ये हैं शबीर भाई, मुस्लिम लीग के लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट लीडर को आने के लिए बोलो, प्लीज कम। ये है मिस्टर राजू, स्टूडेंट लीडर, सारे स्टूडेंट के सपोर्ट इनके साथ है, ये भी हमारी पार्टी में ज्वाइन होना चाहते हैं। प्रतिज्ञा कीजिए कि आप सब प्रजा की भलाई के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। ईश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा कीजिए। प्रतिज्ञा करता हूं सर। आप सबका बहुत धन्यवाद। प्लीज अब आप लोग बैठ जाइए। Hey yo, who is this guy? तुम फिर से आ गए? What are you doing here? I'm sorry. Something is going on wrong here. मैं अपना काम करता हूँ, मुझे तो डाउट लगता है। You think I'm scared? उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, वो सीएम और उसके बेटे को परेशान कर रहा है। ये लौंडा सीएम के लिए एक मुसीबत बन गया है, न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है वो। सिर्फ सीएम पर ही नहीं, मुझ पर भी केस चार्ज करके सीबीआई को सौंपा, उसे पता आपको? ओए कमिश्नर या डीजीपी को फोन लगाओ जल्दी। हेलो, नमस्ते सर, मैं एसीपी खान बोल रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर आप कमिश्नर को लेके होम मिनिस्टर के घर आ जाइए सर। 5 मिनट में कैसे आ पाऊंगा, कह देना कि मैं आ रहा हूँ। ओके सर। शेर खान, मुझ पर अब तक कितने केस रजिस्टर हैं? कई हैं सर, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपने जितने खून किए थे सबके सब रजिस्टर है। हा? और राजनीति में आने के बाद जितने भी फॉल्स एनकाउंटर किए हैं सबके सब दर्ज है सर। कितनों को मार चुके हैं, अब क्यों घबरा रहे हैं आप? उसके पास जितनी भी फाइल्स हैं वो मुझे चाहिए, और उसे यहाँ से अमेरिका वापस भेज दो। शराफत से दे तो ठीक है, वरना उसे टपका दो। शेर खान से कहकर उसका एनकाउंटर करवा दो, दैट्स ऑल। अरे खान, कौन है वो? हु इज ही? गुड मॉर्निंग सर। इसकी कोई कमी नहीं है। क्यों भाई, वो जगन मुझ पर और सीएम पर केस ठोकता जा रहा है, और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो? मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? अब सफाई देने के लिए चले आए हो? हमें कुछ नहीं पता, उसी भी के साथ काम करता है, हमारे संपर्क में नहीं है। हाँ, क्यों डीआईजी, तुम्हें भी नहीं पता था? हमारे पास आने का मतलब है आपके पास आ गया, हम तो आपके अंडर में काम करते हैं सर। इससे पहले कि फाइल सीबीआई तक पहुंचे उसे क्लोज कर दो। सारी फाइल मेरी टेबल पर होनी चाहिए, तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता। आप खुद डीलिंग क्यों नहीं कर लेते? क्या बकवास कर रहे हो तुम, पता किससे बात कर रहे हो? मैं होम मिनिस्टर हूँ, माइंड योर लैंग्वेज। मैं चाहूँ तो तुम्हारी वर्दी उतरवा सकता हूँ, सस्पेंड करा सकता हूँ,
यहाँ आकर ड्रामा कर रहे हो? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं सर? हम तो आपके लिए और आपके सरकार के लिए काम करते हैं। अरे होम मिनिस्टर को समझ क्या रखा है? इनकी आज्ञा का पालन करो। न जाने क्यों मुझे इन दोनों पर शक हो रहा है। शक करे तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो अपनी पूरी लगन से काम कर रहे हैं सर। आपको कितनी बार नक्सली के हमले से भी बचा कर लाए हैं हम लोग तो। धन्यवाद। ओके बहुत हो गया, अब आप जाइए, कल मेरे चैम्बर में रिपोर्ट करना। ओके सर। दो दिन पहले दाऊद के गुर्गों की शिनाख्त करने के लिए आप ऑफिस आने वाले थे, क्यों नहीं आए सर? हाँ हाँ हमें भी पता है, हम भी वहीं से ही आ रहे हैं। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे घर में भी प्रॉब्लम है। अरे हम भी जानते हैं जनता की सेवा कैसे करते हैं, अब आप जाइए। ओके ओके सर। शेर खान ये दोनों भरोसे के लायक नहीं है। ये दोनों गवर्नर के साथ मिलकर उसकी मदद कर रहा है, ऐसी मुझे खबर मिली है सर। इन दोनों का भरोसा मत कीजिए। इनके बारे में सोचकर आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे मुकेश इसे उठवा दो, इसी में हमारी भलाई है। नहीं तो उसके किसी रिश्तेदार को अगवा करके टॉर्चर करो, तभी जगन की अकल ठिकाने आएगी। बच्चे की बात कही हमने। हाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से फोन पर बात की। What boss? I didn't like you. तुम हमेशा सोचते ही रहते हो। अरे यार मुझे देखो, life is for enjoyment. Enjoy, 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 always enjoy. मैं यार टीवी में न्यूज देख रहा हूँ, तुम्हें मस्ती सुन रही है? हर एक चीज की हद होती है सनी। अब बोल क्यों रहे हो? तुम कोई नया संगीत कंपोज करने वाले थे, क्या हुआ? I remember. Yeah, 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 yeah. You just watch. Yeah. One, two, three, let's go. Yeah. Your mama should have moved it. Yeah. The hip puts you back to win. Do you think like it ain't meant to win? Shake that ass, girl. Your mama should have moved it. The hip puts you back to win. Do you think like it ain't? What the hell you want from me? Hey, लाल टमाटर, द्रौपदी के 5 पति थे, तुम्हारे 15 पति है, 15 पति, बहुत मजा आएगा टमाटर, बहुत मजा आएगा। What are you talking about? इसकी बात आप उनके पल्ले नहीं पड़ रही है। Don't touch me. Hey, तू इनके बारे में क्या बोल रही है? इनको जानती है तू? ये बहुत पावरफुल इंसान है, इनसे मत टकराना। बेवकूफ लड़की। What the hell you're doing? I will make a police complaint. Wait and watch what will happen to you people. You have kidnapped me and it's a big crime, you know? Hey, you want to give me complaint? I am a policeman. I am Assistant Commissioner of Police. Give me complaint. Give me complaint. Hey, time waste नहीं करना। फोन पकड़ाओ। फोन पकड़ाओ उसे। जगन से बोल के हमने क्या किडनैप किया है? अरे बोल ना। Immediately call him. Hello. Krishna here, is it Jagan? Yeah, Jagan speaking. Jagan, I have been kidnapped. They're forcing me. Please, please Jagan, come here. But I don't know the place. Hey, hello. इधर ला। अरे जगन, साले, आधे घंटे के अंदर भूत बंगले के पास आ जाना। अपने साथ सारी फाइल भी लेकर आ जाना। हाँ। Okay, मैं अभी फाइल लेके आता हूँ। Okay? Be there. What the hell are you doing? Hi, Jalebi. Don't touch me. आजा आजा। अरे शेर खान, इसे देखकर होम मिनिस्टर डर रहे थे क्या? ए साले, तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें फाइल चाहिए ना, लाया हूँ, अब इस मैडम को छोड़ देता हूँ। Hey, तुम खुद को हीरो समझ रहा है क्या? I am Assistant Commissioner of Police. इसी जगह पे तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। अरे भाई तुमने ही कहा था कि फाइल लेकर आओ और मैडम को लेके जाओ। अरे दे दे ये फाइल, दे दे टमाटर, यही रहेगी। अब तो जा क्या? ओके नो प्रॉब्लम, आई नो हाउ टू सेव। कोई भरोसा नहीं है, ठीक से देखिएगा प्लीज। इस कंपनी ने हमको धोखा दे दिया, इसे जान से मार दो। I just came to meet you, Jagan, but they kidnapped me. हाँ, रख लो इसे, रख लो तुम। Hey, पकड़ो इसे। Oh.
कृष्णा, तुम इनके हाथ कैसे फंस गए तो बताओ। I was just coming to meet you and suddenly these people kidnapped me. I think for some ransom they have done this. You're not worried. मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, okay? नमस्ते जनाब। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। ये बैकवर्ड क्लास के प्रेसिडेंट हैं सर। हाँ। और ये लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट। अच्छा। ये है बीसी सर के प्रेसिडेंट। और ये है महाराष्ट्र के छात्र यूनियन के प्रेसिडेंट। सुनिए, मैं नहीं जानता कि आप किस उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। मेरा उद्देश्य तो एक ही है, न्याय के लिए लड़कर अन्याय का दमन करना, बुराई को इस समाज से जड़ सहित उखाड़ कर गरीबों की रक्षा करना। सर, जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से देख रहा हूँ चंद्रशेखर ठाकुर को, उसके जुल्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके जुल्मों को रोकने के लिए आप में हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, आज से आप ही हमारे नेता हैं। हम सब मिलकर जनता की सेवा करेंगे। आप जैसे पढ़े लिखे इंसान अगर पहले ही राजनीति में आते तो जरूर ही यह देश कभी का खुशहाल हो गया होता सर। आज इस देश को आप जैसे पढ़े लिखे नौजवानों की आवश्यकता है, आपको हमारे तरफ से पूरा पूरा सहयोग मिलता रहेगा सर। सुनिए सर, आपके लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। क्या चाहिए बताइए, हमसे जो भी होगा हम आपको देंगे। सुनिए, उच्च कुल और नीच कुल के नाम पर लड़ने वालों को मेरी पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। सर, ये महिला संघ के अध्यक्ष हैं, आपसे मिलने के लिए आई हैं सर। नमस्ते, नमस्ते सर। आपने जो अन्याय के खिलाफ अभियान छेड़ा है उसमें हमारा महिला संगठन हमेशा आपका साथ देगा, ये प्रतिज्ञा है। वेल डन जगन साहू जी, आपके अच्छे कर्मों को देखते हुए इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने ये चेक आपके लिए भेजा है। रख लो। ये है? या या। ये है क्या? आइए आइए, वेलकम सर। कुछ बोला उसने? अब तक तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत जल्द बोल देगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेल, अंदर जाके देखते हैं। इनसे बाद में मिलेंगे, पहले सत्य को बुलाइए। ठीक है सर, इन सब का अंदर करो और केस दर्ज कर दो। ओके सर। कृष्णा, आइए सर। तुझे अमेरिका की लड़की चाहिए? भल बे, भल। क्यों बे, तुम्हारी इस गैंग में कितने आदमी हैं? कहां कहां डाके डाले हैं तुमने? मुझसे ही झूठ बोलते हो, सच बुलवाना जानता हूं मैं। मारो इसको। अरे अरे, कुछ मत कर ऐसे। मैं सच बोल रहा हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने परिवार की कसम खाता हूं साहब। सर, मैं सच बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता साहब। तुम अपने सारे गुनाहों को कबूल करके कोर्ट में आकर होम मिनिस्टर के खिलाफ गवाही दोगे तो तुम्हें सारे केस से बाइज्जत मैं बरी करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर मैं गवाही दूंगा साहब तो होम मिनिस्टर साहब मुझे मार डालेंगे साहब। ऐसा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम एक छात्र बदमाश हो। नहीं साहब, मैं बदमाश नहीं हूँ साहब। कमिश्नर साहब, ये इस तरह नहीं मानेगा। ये जब तक भरोसो
आप पेट भर के खाना खाइए, ओके? कृष्णा, यहाँ पे सर्व करना प्लीज। इनको। ओके। बस बहुत हो गया। कृष्णा, यहाँ भी। बच्चों शर्माओ मत, भरपेट खाओ। तुम लोगों को पढ़ लिख कर इस देश की सेवा करनी होगी बच्चों, ये मत भूलना। करोगे ना? जरूर करेंगे सर। खाना अच्छा है ना? भरपेट खाओगे तभी पढ़ने का मन करेगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, पढ़ लिख कर तुम क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर बनना चाहता हूँ सर। ओके, तब तुम डॉक्टर बनकर गरीब जनता की सेवा करोगे। जन्म देने वाले माँ बाप को भूलना मत कभी, ओके? और जो बच्चे माँ बाप की बात सुनकर पढ़ाई करेंगे उन्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। अच्छा तुम क्या बनोगे बोलो? पुलिस सर। पुलिस बनोगे? पुलिस बनकर अन्याय के खिलाफ लड़ना, ओके? वेरी गुड बेटे, शाबाश। रेखा, मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन में तकरीबन 1,00,000 लोगों को मैं खाना खिलाऊं। आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। केवल यही नहीं, हमारे राज्य के हर एक जिले में से एक अच्छी जगह चयन करके मैं गरीब बच्चों के लिए अन्नदान का प्रबंध करूंगा रेखा। ओके। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। दौलतमंद लोगों को गरीबों की कोई फिक्र नहीं होती है। इसलिए कारोबारियों से एक बड़ी रकम चंदा के रूप में लेकर मैं गरीबों की मदद करूंगा रेखा। राजीव जी, आपके सपनों को साकार करने के लिए तैयार है। चेक दीजिए। रेखा जी, ये लीजिए ब्लैंक चेक। जगन साहू जी को सम्मानित करते हुए ये ब्लैंक चेक हम आपको दे रहे हैं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी रकम चाहे इसमें फिल कर सकती हैं। ट्रस्ट की ओर से आपको और भी सहयोग मिलेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू रेखा, जरा मुझे अन्नमणि के ऑफिस जाना है। या कृष्णा, ये चाय भी बचे हैं खाने के लिए, वहाँ उस तरफ। ओके, ठीक है, ख्याल रखना। एनबीसी न्यूज के जरिए प्रतिदिन हम आपको एक खास व्यक्ति से मिलाते हैं, और आज हमारे साथ हैं मिस रेखा। नमस्ते, आई एम रेखा। दिस इज अ स्पेशल कवरेज ऑन पब्लिक पॉलिटिक्स एंड करप्शन। आने वाले इलेक्शंस में जगन साहू की अवश्य जीत होगी, हमारे एनबीसी सर्वे टीम द्वारा ये खबर हमें मिली है। तत्कालिक सीएम चंद्रशेखर ठाकुर की जुल्म और गुंडागर्दी की वजह से हमारे राज्य की जनता बहुत परेशान है, और उन्होंने हमारे एनबीसी संवाददाता के जरिए ये खबर हमें भेजी है। जनता का कहना है कि अन्याय का अंत एक न एक दिन होगा ही। मैं और मेरे अंकल मीडिया के जरिए आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि गुंडे भेजकर हम दोनों पर हमला करवाया और उन्होंने हमारे बंगले पर पत्थर फेंकवाया। जनता की मदद करने वाले जगन साहू पर भी उन्होंने कई बार हमले करवाए। जगन इज अ ट्रू मैन हु कैन सर्व दिस कंट्री, द स्टेट एंड द पीपल। जगन गरीब बच्चों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, आप ही देखिए वो उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हर रोज 1,00,000 लोगों के लिए खाना, गरीबों के लिए शिक्षा। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम होने के बाद भी वो इस तरह के काम करते रहेंगे, और हमारी जनता को जगन साहू पर पूरा पूरा विश्वास है। यानी मेरी पत्नी नरेंद्र, वो जगन इतनी दौलत और दिमाग वाला निकलेगा, सोचा नहीं था। आज वो बहुत डेवलप हो गया है, आने वाले चुनाव में ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। हम चाहे जितना भी पैसा क्यों ना खर्च कर लें, अगले चुनाव में जीतना मुश्किल होगा। क्या करना है पिताजी, बोलिए। साले नहीं नरेंद्र, अभी कुछ मत करना, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सीबीआई इंक्वायरी बैठ जाएगी, स्टेट लेवल तक तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी पहुंच सेंट्रल गवर्नमेंट तक है। गवर्नर को फोन लगाओ। हेलो, गवर्नर साहब से बात करनी है। हाँ अच्छा, हाँ सर, आपसे पिताजी कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं। ओके सर। पिताजी, लगता है गवर्नर डबल गेम खेल रहा है। जानता हूं रे, आखिर गवर्नमेंट उसी की है, इसलिए होशियार रहेगा वो। फोन मुझे दो। हाँ हेलो गवर्नर साहब, अगली हमारी ही सरकार बनेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, किया तो चिन चिन के काटूंगा। ओके गवर्नर साहब, धन्यवाद।
अरे नरेंद्र जी पिताजी, हमारे सीक्रेट्स कौन लीक कर रहा है ये जानकर उस कमीने को ठिकाने लगा दो। तो ए बाप रे, ताली मत मारिए, मत मारिए। कौन है बेतू? मैं हूँ मामा जी, आपका दिलीप ठाकुर भूल गए क्या? तू है? अरे मैंने कहा गाली दी ताऊ जी, मैं तो तारीफ कर रहा था। जानते हैं बाबा जी सुबह से बहरा मुझे मार रहा है। क्या? मैंने अपने दामाद को धोखा दिया, इनसे मेरी चुगली कर रहे हो तुम? मैंने कब चुगली की मामा? इस बहरे का विश्वास मत करना, खामखा उंगली कर रहा है। दरअसल 10 साल पहले ही मैं चिंच पोकली से उगली गया था। बताइए मामा, सच बोलना गुनाह है क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये बहरा कान में मशीन क्यों नहीं लगाता? ये बहरा है, कितना भी जोर से बोलो सुनाई नहीं देता है। देखो बेटा, मैं इन पर भरोसा करूंगा तो ये दोनों मुझे नींद में मार देंगे। मैं तुझे नींद में क्यों मारूंगा, हकीकत में ही मार दूंगा। ये कैसे कपड़े पहन रखे? आजकल ये फैशन है, इजड़े भी पहनते हैं। आपके लिए जरॉक्स बनवाऊं क्या? जबान से एक भी शब्द निकाला तो जबान काट डालूंगा। जा यहाँ से, ले जाओ इसे। ठीक है, चलो चलो यार। कोई भी हमारे काम के लायक नहीं, सब के सब साले नालायक हैं। रेखा? यस। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? अमेरिका के कैलिफोर्निया में मेरे एक दोस्त रहता है, साउंड इंजीनियर राजा। साउंड इंजीनियर? या आई नो। राजा, उसे मेरी तरफ से एक ईमेल भेज देना। या। देर मत करना, जल्दी। श्योर। थैंक यू। काम पर नहीं चलोगी? किसके सामने देख रही हो तुम? तुम लोग प्रतिदिन स्कूल जाकर अच्छी तरह पढ़ लिख कर पास होकर अपने माँ बाप, गरीब जनता और इस भारत देश की सेवा करोगे, करोगे ना? करेंगे। नहीं, अवश्य करेंगे सर। अच्छे से पढ़ रहे हो? अच्छे से पढ़ रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू भैया, थैंक यू अंकल। तुम्हारा नाम क्या है? नवीन। और तुम्हारा? कृष्णा। जो आज तुम लोग नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी स्कूल जाओगे, ठीक है? ठीक है। ऑल दीज किड्स आर टुमारोज ब्राइट फ्यूचर, डू यू नो दैट? चल अंदर। अबे सत्या, अब तो बोल, ये बयान तुम्हारा ही है ना? जी हाँ साहब। सत्या, अगर तुम पूरा पूरा सहयोग करोगे तो तुम्हें जेल की सजा कभी नहीं होगी। सर, बाल बच्चों वाला हूँ, रहम कीजिए साहब। मैं अपना सारा गुनाह कबूल करता हूँ साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए साहब। इसे छोड़ दूँ क्या? इसे कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। अभी कम करा दीजिए इसकी। देखिए डीजीपी साहब, ये हमें पूरा पूरा सहयोग दे रहा और हमारी मदद भी करने वाला ही है, करोगे ना? करूँगा साहब। ओके ओके। आ जाओ। बताया मेरी चुगली कर रहे हो? क्यों बह रहे, मैं चुगली करता हूँ? सुनो, आज तक तो मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, आज की तारीख में तुम मेरा स्टेटस नहीं जानते हो। तुम मुझे क्या फंसाओगे? मैं तुम्हें फंसाऊंगा। ये मजाल, तुझे अपना भतीजा समझकर सर पे बिठा दिया, लेकिन तूने दामाद के सामने मेरा अपमान किया, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या मुझे छोड़ेगा? दूसरों के लिए तो गड्ढा खोदता है, वो खुद उसमें गिरता है। अब तेरी बारी। ये क्या, मेरे सामने टांग पिटा रख के हिला रहा है? ए, इस कबूतर में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? ऐ सुना नहीं, तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई?
एक जो इनके सामने छोटा बच्चा है, इन्होंने चुज्जे से कितने कबूतर को देखा होगा। ये सीएम के ससुर जी है, इनकी थोड़ी तो इज्जत क्या कर। एक दूंगा ना कान के नीचे, सीधा तबेले में जाके गिरेगा। बी केयरफुल। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। जल्दी आओ, ये मुझे मार रहा है। जल्दी आओ। आ रहा है। भाई कब आ रहा है? नरेंद्र बेटा आएगा, तू जल्दी से माफी मांग। माफी मांग। बात ये है, क्यों बोल रहा है तो आ? कोई सुने ना, इसीलिए वो जगन साहू जब हमारे हाथ आएगा उसके साथ क्या सलूक किया जाए, यही बोल रहा था ना मैं। ये बेचारा तो मजे की बात कर रहा था, आप तो खामखा इस पे नाराज हो रहे हैं। ये खुसुर फुसुर फिर से क्यों? खुसुर फुसुर नहीं, जब नरेंद्र ठाकुर सीएम बनेंगे ना तो आप ही होम मिनिस्टर बनेंगे ना, यही बोल रहा था मैं। सही फरमा रहा है। जल्दी आओ। उसे बुला रहे हैं? उसे क्यों बुला रहे हैं? उसे पौवा मार के सोने दीजिए ना, कुछ नहीं दिया क्या? लगता है बहरे सुनहरे ख्यालों में खो गए हैं। सुनहरे ख्यालों में? सही फरमाया। इस बहरे का वजन वजनदार है, किसी बैल से कम नहीं। क्यों रे, यहाँ गड़े खोद रहे हैं क्या? बाप रे, मैंने नहीं खोदा, मैं तो भजन की बात कर रहा था। अरे हाँ बोला। जाओ जाओ जाओ, भोजन करके जाओ। सर यही वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में सत्या कह रहा था। होम मिनिस्टर रमेश कौर और दूसरे पॉलिटिशियन की के बिग क्राइम्स का जिक्र है इसमें। नमस्ते सर, मेरा नाम सत्य है, मैं अपने होशो हवास में ये बयान दे रहा हूँ। मेरे हाथों होम मिनिस्टर साहब ने कई कजर करवाए हैं। मैं 12 वर्षों तक उनका गुर्गा बनकर काम करता रहा हूँ। पिछले 12 वर्षों से मैं उनके यहाँ उनका गुर्गा बनकर काम करता रहा। अच्छा बयान दिया है सत्या, वेरी गुड, काफी कोऑपरेट किया है तुमने। साहब मैं बाल बच्चों वाला हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, मेरा विश्वास कीजिए मालिक। सत्या यही तुम्हारा वकील है और ये तुम्हें टेम्पररी जेल में बाहर लाएंगे और उसके बाद तुम्हें जेल की सजा काटनी नहीं होगी। सर एक बात का ख्याल रखिए, जेल की सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया साहब। He confessed and cleared his mistakes. Can I let him go? If these people change, then I think we can let them go. Okay, सत्या तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा। जी मालिक। सर आपने पटा देने का वादा किया था ना, इसलिए आए हैं। सर आप भगवान हैं सर, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। सर एक एनआरआई होते हुए हिंदुस्तान की जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कारण जान सकता हूँ? अमेरिका में रहूं या दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तानी होकर इस देश के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। गरीबों के साथ न्याय करके गरीबी को हमेशा के लिए मिटा के रख दूंगा। आप सचमुच में सीएम बनना चाहते हैं? मैं सीएम बनूं या फिर ना बनूं, लेकिन अपने उद्देश्य को अवश्य पूरा करूंगा। सच्चाई के लिए जीऊंगा और सच्चाई के लिए मरूंगा। गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए मैं लड़ूंगा। अमीरी और गरीबी के बीच जो दूरी है उसे कम कर दूंगा मैं। और जात पात के नाम से कोई दंगा फसाद नहीं होगा। गरीबी रेखा के नीचे जो है उसे ऊपर उठा के रहूंगा। यही मेरा मकसद और गोल है। सर आपको हमारी भी उम्र लग जाए। राय साहब जमीन के कागजात लाइए। भारती जी, भारती जी धन्यवाद सर। सुशीला जी शुक्रिया। किशन प्रसाद जी नमस्ते सर। भगवान तुम्हारा भला करे। शंभूलाल, शंभूलाल जी नमस्ते। मालिक किरण बाला, किरण बाला नमस्ते सर। शुक्रिया सर। आप हिंदुस्तान की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। देखिए जनता हमें अपना वोट देकर कुर्सी पर बिठाती है उनकी सेवा करने के लिए, न कि हमारे घर वालों की सेवा करने के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते। प्लीज सर, होम मिनिस्टर जगन्नाथ हमसे काफी नाराज है क्योंकि हम आपकी मदद करते रहे ये बात वो जान गए। उनसे कहिए कि तुरंत इस्तीफा दे दें, तभी वो जेल की सजा से बच पाएंगे। वो काफी अकलमंद है, जेल की सजा से बचने के लिए वो विदेश भी भाग सकता है। हम फिर से कोशिश करके देखते हैं सर। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उनकी सारी फाइल सीबीआई को सौंप दूंगा इमीडिएटली। गवर्नर से बात करके किसी भी तरह डील कर लेंगे सर, अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तो फाइल सीबीआई के हवाले कर देंगे। सत्या को सिक्योरिटी प्रदान की है आपने, उसने हमारी मदद की है, इसलिए होम मिनिस्टर से भी टपका सकता है। जल्द से जल्द आप उसे छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, उसकी टेम्पररी बेल को कैंसिल करके आप उसे बाइज्जत बरी कर दीजिएगा। ओके सर, सत्या को सिक्योरिटी देने के साथ साथ जेल से भी जल्दी रिहा कर दूंगा। ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं। एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ मालिनी सिंह। मुख्य समाचार, अभी अभी खबर मिली है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार जगन साहू ने मीडिया को इंटरव्यू दिया। सर मीडिया के द्वारा आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? किसी को नोटों की माला मत पहनाइए आप। अगर 20 लाख रुपए गरीबों की पढ़ाई में खर्च कर देते तो कई गरीबों की जिंदगी संवर जाती। आप सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप किसी भी राजनेता या एमएलए से मत डरिए। मजहब को लेके जो प्रचार करते हैं उनके बारे में आपका कहना? मजहब के नाम पर वोट लेने वाले नेता को उखाड़ कर फेंक दूंगा। मीडिया के बारे में आपके विचार? भारत देश एक विकासशील देश है,
मीडिया काफी मददगार साबित हुआ है, हमारी जनता की आंखें खोल दी है। गलत नेता के खिलाफ आप कदम उठाइए और हमारी जनता को सही मार्ग दिखाइए। अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? मैं देश के गरीब जनता के साथ न्याय करूंगा। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीब लोगों को ऊपर उठाऊंगा मैं। कोई भी गरीब रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर नहीं भटकेगा। एक आखिरी सवाल, राज्य की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? न्याय के लिए लड़े और अन्याय का दमन करे। जात पात के नाम पर दंगा फसाद करने वाले नेता को उखाड़ कर फेंकूंगा मैं। गवर्नमेंट हमारी है, वो क्या करेगा मैं देख लूंगा। इस राज्य का भावी सीएम मैं हूँ, यही मेरा संदेश है। नमस्ते। आगे नमस्ते सर। ओके, हम उस मीटिंग में जरूर आएंगे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है मैडम। थैंक यू मैडम। पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा पूरा सहयोग आपके लिए होगा। थैंक यू वेरी मच मैडम। मिस्टर जगन, मेरा बेटा आपसे बात करना चाहता है, उसे बात कीजिए। सर, वी नीड सर। प्लीज कम टू माय ऑफिस। या आई कम, प्लीज वेट फॉर मी सर। श्योर सर। ओ नमस्ते जी भाई साहब, और तुसी फिकर ना करो, असि उत्थे पहुंच रहे ने। आइए उत्थे पहुंच के गलबात आराम नाल करेंगे। रूलिंग पार्टी पे भरोसा करके जनता ने उन्हें जिताया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं जनता से बार बार यही कहूंगा कि वोट देने से पहले एक बार सोचा करें। सर, एनबीसी न्यूज द्वारा आप जनता से क्या कहना चाहते हैं बोलिए। तब भी कहा था, आज भी मैं यही कहूंगा, जब तक के शरीर में जान है गरीबों के हक के लिए मैं लड़ता रहूंगा। और सीएम के बारे में आपके क्या विचार है? सीएम और उनकी अराजकता को मैं कंट्रोल करते आ रहा हूँ, और हमारी जनता भी ये सच्चाई जानती है। अगर गुंडाइज्म या रौडीज्म को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो सरकार को आपकी मदद की सख्त जरूरत है, वो भी हमारी सरकार को। आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो जनता के लिए क्या करेंगे? अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊंचे ओहदे पर नौकरी पर रखकर ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा के रख दूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। साहिब, सुना है जगन साहू की हरकतें अब दिल्ली तक पहुंच गई हैं, क्या करें हम? आज की ब्रेकिंग न्यूज, होम मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। गवर्नर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि यदि वे अपना गुनाह कबूल करके इस्तीफा देंगे तो उनके इस्तीफे से सजा कम होने की गुंजाइश है। अतः इस्तीफा देने के अलावा कोई और चारा नहीं है, कहकर जगन्नाथ मिश्रा ने गवर्नर तिवारी को अपना इस्तीफा दे दिया। ये सुनकर चीफ मिनिस्टर और उनके बेटे नरेंद्र ठाकुर उनसे काफी नाराज हैं, ऐसी खबर आई है। दिन ब दिन रूलिंग पार्टी बलहीन होती जा रही है, ऐसा एनबीसी न्यूज सर्वे के जरिए हमें पता चला है। जगन साहू को महिला संगठन कितना समर्थन दे रही है, ये एनबीसी न्यूज सर्वे बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेगा। इसके साथ समाचार समाप्त होते हैं। होम मिनिस्टर इस्तीफा दे दिए हैं और थोड़े अमले भी उनके साथ मिल गए हैं। परिस्थिति बड़ी गंभीर होती नजर आ रही है सर, आप कुछ नहीं करेंगे तो मामला उलझ जाएगा सर। सोच लीजिए, कहीं आपकी कुर्सी चली गई तो आपको इसी घर में रहना पड़ जाएगा। दिल्ली से रावत साहिब का फोन। हाँ बोलिए, मैं जानता हूँ। हाँ तो इसमें हमारा क्या नुकसान? रेखा, राठौर साहब को चेक मिला क्या? यस, राठौर साहब अपने वादे के मुताबिक 1,00,000 बच्चों को मुफ्त भोजन खिलाने का प्रबंध किया है। कितने करोड़ का चेक भेजे हैं? 25 करोड़ के चेक भेजे हैं। वेरी गुड। देखो रेखा, मैं सारी फाइल्स पर साइन कर देता हूँ। सुनो, कल हम दोनों मिलकर पूरा काम निपटा देंगे। okay. तुम काफी थक गई हो, जाके आराम कर लो।
अरे वो 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 दिस साइड वो लेखा इस तरफ आओ जाओ यहाँ जा रही है तो यहाँ से चले जाओ तुम लोग कहाँ ना माने तुम तीनों सिर तरह यहाँ जाओ चलो आओ आओ अरे कहाँ ना आने के लिए आओ हाँ नमस्ते तो मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे मेरे डैडी बात करेंगे जगन आई एम वेरी सॉरी तुम्हारी इस हैसियत से मैं बिल्कुल अनजान था अगर हम दोनों आपस में हाथ मिला लें तो चार चांद लग जाएंगे सेंट्रल का मैं प्रधानमंत्री बनकर तुम्हें मुख्यमंत्री बनाऊंगा प्रिया से तुम्हारी शादी करवाऊंगा और तुम्हारी इमेज और भी बढ़ जाएगी अरे मैंने सोचा तुम यहाँ आकर अपने गुनाहों को कबूल करेगा लेकिन तुम मुझे भी गुनाह करने के लिए मजबूर कर रहे हो तुम कभी नहीं बदलोगे अब भी मौका देता हूँ मैं तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल करो तो मैं तुम्हारी सजा कम करा दूंगा मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें जेल में सड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी अब चलिए यहाँ से बिल्कुल सही कहा चलो जगन अपनी बेटी से शादी करा के मैं तुम्हें सीएम बनाना चाहता था पर तुमने मेरा ही अपमान किया ये अपमान महंगा पड़ेगा ओके वो भी देख लूंगा डैडी लेट्स गो चलो बेटी ये कभी नहीं सुधरेगा इसे तो जेल की सजा होनी चाहिए इडियट अब कैसे करेंगे पिताजी ऐसा ही करेंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा सर अगर हम हार गए तो किसने बोला काट के रख दूंगा दिमाग खराब है क्या आने वाले चुनाव में हम ही जीतेंगे चिंता मत करो हमारे पास दौलत का भंडार है ताकत भी है कोई कुछ नहीं कर पाएगा हम जीतेंगे ये मेरा वादा है
नमस्कार, मैं मालनी सिंह, ब्रेकिंग न्यूज। पीपल पार्टी के उम्मीदवार जगन साहू चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर ठाकुर से 3 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। पीपल पार्टी के 190 उम्मीदवार रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार से आगे हैं, जिनमें से 150 उम्मीदवार जीत चुके हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को 12 सीट, बीजेपी को 5 सीट और जनता दल को 4 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी को 20 सीट मिली है। राज्य के गवर्नर ने जगन साहू को बधाई देकर गवर्नर हाउस में आने का न्योता भी दे दिया। कल सुबह ठीक 12 बजे जगन साहू मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और जनता का कहना है कि न्याय और अन्याय के युद्ध में न्याय की जीत हुई है। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर ठाकुर और उनके बेटे ने जो भी घोटाले किए हैं उसको लेकर सीबीआई इंक्वायरी बैठाई जाएगी और दोषी पाने पर दोनों को कठिन से कठिन सजा भी दी जाएगी। मैं मालनी सिंह, एनबीसी न्यूज। विश्वास रख के आप सब लोगों ने मुझे इस राज्य का सीएम बनाया है, मैं सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा। मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मैं गरीबों को उनका हक दिला के ही रहूंगा। आई विल क्रिएट ए सिस्टम वेयर इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड ग्रेड। मैं राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं इस देश से भ्रष्टाचार को मिटा के ही रहूंगा। नमस्ते। अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। सर प्लीज आइए, प्लीज आइए आइए आइए। आज वो शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठता है मैं भी देखता हूँ। सर सीबीआई ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर। क्यों कमिश्नर, सबको साथ में ले आए? मैं हार गया ये याद दिलाने आए हो? सॉरी सर, कोर्ट ने आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं और आपका केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। हम लोग सीबीआई ऑफिसर हैं। सीबीआई? तुम कोई भी हो मुझे क्या? कल तक इस राज्य का सीएम हुआ करता था ये चंद्रशेखर ठाकुर। आने वाले दिनों में देख लेना, फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। बाय इलेक्शन करवा के मैं फिर से सीएम बनूंगा। कोर्ट और जेल को क्या मैं नहीं जानता? पदवी गई तो क्या, शोहरत तो बरकरार है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे ही अरेस्ट करने चले आए? शराफत से सबको लेके बाहर चले जाओ। सुनो कमिश्नर, फिजिकली मेंटली आई एम ऑल राइट। कानून मैं जानता हूं, अरेस्ट तभी कर पाओगे जब मैं कोई गुनाह करूंगा। उसके लिए ठोस सबूत भी चाहिए, कोर्ट में साबित करने के लिए मेन विटनेस भी चाहिए। मेरे खिलाफ गवाही देने की हिम्मत इस राज्य में किस में है? सामने आकर दिखाए, उसे यहीं पर काट डालूंगा। बुलाओ गवाह को, बुलाओ। बुलाता हूँ सर, और भी विटनेस हमारे पास। कौन है, कहाँ है वो? तुम्हारे घर में ही है। मेरे ही घर? आपकी ही बेटी सर। सॉरी डैड, मैंने आप पर भरोसा किया लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। प्रिया, मेरे साथ डैडी के साथ तुमने विश्वासघात किया। डैडी, मैं जानती थी आप कभी नहीं बदलेंगे। मैंने आपके खिलाफ गवाही दी है और मुझे कोई अफसोस नहीं है।
I'm sorry. Another shock for you, sir. आपके लिए एक और सरप्राइज है. हमारे पास और भी पावरफुल विटनेस है. आप भी सुनिए. मैं सीएम का बेटा नरेंद्र बोल रहा हूँ. सीबीआई इंक्वायरी में मैंने सब सच सच बता दिया है. ये बयान मैं अपने पूरे होश आवास में दे रहा हूँ. मेरे पिता ने अभी तक करीब 300 कत्ल किए हैं. 30,000 करोड़ गैर कानूनी रुपए कमाए हैं. इतना ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई करोड़ों की सरकारी जमीनें भी दी हैं. मेरे पिता के भरोसेमंद मंत्री लोग करोड़ों में खेल रहे थे. जनता को मैंने धोखा दिया, तुमने मुझे ही धोखा दिया. शाबाश, औलाद होने का अच्छा सिला दिया, अच्छा सिला दिया. सर चलिए सर. ए, तुम मुझे क्या समझते हो? काट डालूंगा. अरेस्ट यू. छोड़ो, बिन माँ के बच्चों को मैंने माँ का प्यार भी दिया और तुमने मुझे ही जेल भेज दिया. मुझे सीएम बनाने के सपने देखे थे लेकिन तूने सारे सपने चकनाचूर कर दिए. बहुत अच्छा सिला दिया. ये मैंने ही आपके अच्छे के लिए किया है. काट डालूंगा. मेरी किस्मत ही खराब है. हलचल उठ पिस्ता मिलो.